कमल भोगानी है। मेरे ससुर अशोक नागपाल ने मेरी प्रॉपर्टी, जो आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी, मेरे डिप्रेशन में रहने के कारण मेरी वाइफ सीमा भोगानी के नाम से रजिस्ट्री करवा ली है, उसकी गिफ्ट रजिस्ट्री करवाई है उसकी, जिसका 31 लाख रुपये ICICI बैंक का उनके ऊपर बाकी है। उन्होंने बगैर कागज़ निकाले, बगैर बैंक को इतला करे, उन्होंने ये रस्सी मुझसे गिफ्ट रस्सी करवा ली है, जो कि 6420 है। आप अगर बैंक का लोन अदा नहीं करते तो आपको रस्सी करवाने का क्या अधिकार है? उन्होंने उसे रस्सी करवा ली है मेरे डिप्रेशन के कारण। और मेरे अकाउंट से उन्होंने मेरे पीछे, मैं जब चंडीगढ़ गया हुआ था, 50,000 मेरे अकाउंट से कैश निकाल लिए। ये इसकी बात की मैं शिकायत 3 बार SSB महोदय से कर चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 2 बार तहसील दिवस में मैं इसकी प्राथमिकता दे चुका हूँ इस बात के लिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना रुपया था? हाँ जी, कितना? मैं अपने क्या करूँ बताइए, मैं सब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं 2 बार SSB, 3 बार SSB महोदय से मिल चुका हूँ और 2 बार DM महोदय मिल चुका हूँ, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अब तक नहीं, क्या करने जाएंगे आप? अब बताइए मैं क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी FIR भी दर्ज नहीं हुई है। मैं कई चक्कर लगा थाने लगा चुका हूँ, बहुत चक्कर आए थाने के, अब तक कोई मेरी FIR दर्ज नहीं करी। कौन से थाने में गए थे? मैं थाना जयदगन गया हूँ। वहाँ कैसे साहब क्या कहते हैं आप? वहाँ कहते हैं साहब जाँच होगी, जाँच होगी। और कई बार जो भी जाँच के लिए वहाँ पर मिल गई भी थी, लेकिन कोई जाँच नहीं हुई। और जाँच हुई है साहब, हमें कुछ तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, कोई मेरी FIR दर्ज नहीं करी गई। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस पर कार्रवाई हो, मेरी FIR दर्ज हो और मुझे न्याय मिले। मुझे आज आप तहसील दिवस में गए थे, क्या कहा? आज मैं तहसील दिवस में गया था तो ADM साहब ने, ADM साहब तो नहीं बैठे हुए थे, ADM साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जांच होगी। अब कितनी बार साहब जांच होगी? 5 बार मैं चुका हूँ, 5 बार जांच ही हो रही है। अब तक 1 महीने से बड़ा लगभग समय होने वाला है, जाँच ही चल रही है, केवल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ जाँच चल रही है। ऐसे जाँच तब तो चलेगी और कब रिपोर्ट आएगी मेरी, कब FIR लिखी जाएगी, हमें इसको समझ नहीं आ रही साहब।